अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज सीन ये है कि मैं जब उठा हूँ तो काफ़ी बोर हो रहा था, मैंने सोचा चलो किसी दोस्त के पास चलते हैं। अब एक दोस्त को कॉल की है तो शुक्र है उसने भी काम स्टार्ट किया है। आप जानती हैं डंगर से है। अब जनाब साहब मोटा जी क्यों करता हूँ रबता, अगर तो मोटा जी हुए फ्री मतलब यूनिवर्सिटी ना गए हुए तो फिर 19 साल जाए तू तो फिर अकेला चलता हूँ। तो जी मोटा भी आज छुट्टी भी थे तो इन्हें भी मैंने पकड़ लिया। अस्सलाम वालेकुम मोटा भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? उम्रे से कब आए हो भाई आप? मैं यार बस उम्रे पे रात को ही वापस आ गया था। अच्छा, रस्ते में कोई मुश्किल तो नहीं आई? नहीं नहीं भाई, हाँ आपको बताया, आप अपनी मर्जी से देख लो, जैसा मर्जी देख लो। ठीक है अब चलते हैं। मोटा जी पता ही कहाँ जाने हैं? कब कब नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं एक डंगर के पास, समझ भी हो गया आप डंगर माने में एक ही है। ठीक है उसको अभी आपको भी सस्पेंस है, वहाँ पे जाके दिखाएंगे आपको डंगर हमारे में कौन नहीं। वैसे इन्होंने पिछली वीडियो देखी हुई है, पता चल गया होगा कुछ कुछ आइडिया हो रहा होगा आपको भी, लेकिन फिर भी सस्पेंस है। कोई ना कोई खर्च मार देगा नहीं जो आपके लिए नहीं होगी, हमारे लिए तो चलो गो थ्रू हो गए हम, लेकिन आपके लिए कुछ नया ही होगा। ले लिए हम आ गए हैं वैस के पास और भाई साहब अपना डेरा लगा के बैठे हुए हैं एज यूजुअल। पहले तो अच्छी बड़ी हालत होती थी इनकी, अब देखा भी नहीं जा रहा। अब देखें कैसी हालत हुई पड़ी है। हेलो कर लो ये ठिको ना आप कुछ कहना चाहेंगे? भूख लगी हुई है, नाश्ता करना है भाई से। और सुनाओ वैस भाई, अलहमदुल्ला डेरे ला के बैठे खुले वड्डे सारे चले। अब वैस भाई से कुछ खाते पीते हैं और यहाँ पे देखते हैं इनकी फसलें वगैरह। ये मियाँ साहब ने हमें यहाँ से बहुत ही मशहूर है यहाँ पे किले के समोसे। आप कभी भी इस इलाके में आएंगे ना तो आपको पता चलेगा किले के समोसे कितने मशहूर हैं। वो मियाँ साहब ने मंगवाए हैं हमारे लिए। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। मियाँ साहब बोतल नहीं मंगाई है? बोतल लेने गया। लेने गया तो पहले क्यों नहीं मंगवाई? वो याद भूल गए। याद भूल गया ये आपके लिए और कुछ भी मंगवाया हमने। क्या बात है, ये बाद में ये भी डाक दो। ये भी हमने आपके लिए मंगवाया। क्या बात है साहब। हाँ जी कैसा समोसा भाई, मेरे से पूछ रहे हो? हाँ जी पीछे तो कोई नहीं का मेरे से बक्की से चीज से पूछ रहे हो भाई। समोसा मजा आएगा, लेवल का मजेदार किले का समोसा वाकई लेवल का। वैस भैया आप कहना चाहेंगे? बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा। आप तो खा भी पहली दफा रहे हैं? मैं पहली दफा खा रहा हूँ जिंदगी में, जिंदगी में लाइफ में पहली दफा। तुसी की इस तरह दी लहर है जी? आपा रहने जदा दाना दूध हो गया शैलज वास। शैलज वास हां जी। साडी रोड से 10 किलो निकल भाई ले जी। अभी हम जा रहे हैं अवैस भाई की मेहनत देखने, जो इन्होंने मेहनत की है यहाँ पे मक्की वगैरह लगाई है और कुछ डीलर्स वगैरह आए हैं उनको मक्की दिखानी है। अवैस भाई कह रहे थे कि चलते हैं तो हम अब जा रहे हैं मक्की देखने। ये सारी मक्की लगी हुई है तकरीबन 100 एकड़ पे है। ये वो बंदे खतरनाक कौन जे वादी क्लास चढ़े हैं याद है मुझे अंगूर जूस क्या वहाँ डालो बंदे नहीं क्लास वाली है ना बंदा इन्होंने कहता
आपको हम गुआ का जूस ना पिलाएं? मैं क्या नहीं रहन दो ठीक लिया वेल डन मैं इनू का रहन दे मेनू पता सी की है ग्रेप वाइन लिया बाहर जाके जो दसा ना भाई ऐश है गाला कड़े भाई कि चलें बियाबान में मिले है ते तेरे ना बड़ा सप इत्थे नहीं होना जिथे तू रहना है उत्थे होर कोई सप नहीं रह सकदा और ये खुद बता रहा है यहाँ पे सांप रहते हैं हालांकि ये इधर रहता है इसे देख के सारे भाग्य सारे भाग्य होंगे तेरे पे इस बंदे काम चेक कर ले नई शर्ट पहन के आया वो चिटनी था इधर आ वही चिटनी उतारी देखें भाई मुझे याद ही नहीं रहा तेरी शर्ट फाड़नी की चिट उतारनी यार दंदी चिट उतर गई ये भाई खड़े में तस्वीर बनाओ वैस क्या करता बनानी तू क्या बना दे एक कोई और क्या ये आपने एक मिनट आप सबने देखा होगा कि कितनी वैस की बिस्ती करता है सिर्फ ये उसने दो समोसे खिला दिए हैं तो वैस से वैस भाई हो गए हैं और अब उसने ये कह दिया कि गुलाब जामुन खिलाऊंगा अब हर बात भी उसके कहने में मान रहा है चेक करो यार कैसे बन यार होना नहीं मैं क्यों भी दो समोसे एक गुलाब जामुन यार आप खिलाए ना आप भी हमारे सबसे बड़े भाई हैं बड़े अच्छे भाई हैं दो गुलाब जामुन हो जाए आप इसको पैदल छोड़ दो ले जी वैस भाई की देख ली है फसलें और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ग्रोथ हुई हुई है और कुछ डीलर्स वगैरह आए हुए थे वैस भाई ने करनी थी डीलिंग उनके साथ और वो उसके साथ चले गए हैं और हम अब जा रहे हैं कुछ दोस्तों से मिलने राजोवाल तो आपको उनसे भी मिलवाते हैं हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं पबजी में साथ खेलते भी हैं और पबजी खेले तो मैं हो गए हैं 8 महीने हाँ पबजी छोड़ दी है तकरीबन वो ना आपको पता है कि थोड़ी सी बिजी लाइफ हो गई है यूनिवर्सिटी जाना वापस आना और शाम को लेट घर पहुंचते हैं भाई आपकी पर्सनल लाइफ में किसी को इंटरेस्ट नहीं है आप ना आप जाएं तो बस हमसे मिलवाते हैं आपको दोस्तों के पास हाँ जी राजोवाल मैंने कहा यहाँ आए जो हुए हैं दोस्तों को मिल लेते हैं राजोवाल के चलते हैं अब उनसे कोई चीज़ खाते पीते हैं भूख लगी हुई है अभी तुझे भूख लगी हुई है भाई सिर्फ 3 या 4 समोसे खा रहे तीन समोसे खाने इस बंदे ने वो इसको भी भूख लगी हुई है कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये शक्ल भी नहीं जाना नहीं यहाँ पे ना क्या है फ्रूट चाट काफी मशहूर है तो किले के समोसे मशहूर थे यहाँ जाते जाते भी थोड़ी सी प्लेस बन जाएगी तो चलते हैं ये आसिफ भाई से हेलो से हाय आसिफ भाई को पहले व्लॉग दिखा रहे हैं पुराने वाला जो आपने नहीं खुद ही देख रहे थे देखिए हमारा व्लॉग देख रहे थे भाई फेमस पर्सन है हम ये भी आपको सारे थे देख प्यार है ये प्यार है भाई बाकी आसिफ भाई आप मॉम क्या फील कर रहे हो यार भी मैंने ये चीज आई है कि भाई को एक स्पेशल जो भाई खा के वापस मेरे पास आए ले जी ये हमारी फ्रूट चाट आ गई है और टेस्ट करके बताएंगे कैसे टेस्ट करो मैं व्लॉगर्स को वो अपने व्यूवर्स को खिला रहा कैसी लगी फ्रूट चाट बस नॉर्मल थी नॉर्मल सीब भाई क्या कह रहा है ये बंदा बस सही है आगे से आपका फोन मुझे आ गया ना कि सर खानी है खैर नहीं आता मेरी फ्रूट चाट खाई है और रियल में बहुत अच्छी थी फ्रूट चाट सीब भाई थैंक यू सो मच सीब भाई पसंद नहीं मेरी बात ना आपकी मुझे पसंद नहीं
नहीं, मिलते हैं आपसे कुछ हफ्तों बाद, अल्लाह हाफिज़। ये था हमारा आज का व्लॉग, और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको डेली लाइफ के छोटे छोटे जो क्लिप्स वगैरह होते हैं वो दिखाया करें, रूटीन दिखाया करें, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मौलवी साहब है रे, मैं मौलवी साहब रास्ते में आ गए हैं, वो हम थे कंटिन्यू कर रहे हैं। भाई बोल रही है किधर। अच्छा तो बता रहे थे कि डेली जो रूटीन है वो आपके साथ शेयर की जाए, तो आपकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्यार आ रहा है और अच्छे अच्छे कमेंट लोग कर रहे हैं, हम भी ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं। आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट किया करें, अच्छा कमेंट किया करें। अगर कोई चीज़ आपको बुरी लगती है तो हमारे साथ लाजमी शेयर किया करें, हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है, हमें अच्छी बात है, हमें अपनी गलती सुधारने का मौका मिलेगा। तो इसी के साथ हम आज का अपना व्लॉग एंड करते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में। और आपने चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और लाइक करना नहीं भूलना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।